फोड़े फुंसी कहते हैं ये जो समस्या है, ये अपने आप ही हो जाती है, पता भी नहीं चलता। एक छोटा सा स्किन, हल्के से एक स्पॉट हुआ लाल कलर का, और धीरे धीरे वो फूलने लगा, फूलते फूलते वो फुंसी बन गया। समय ना पर ध्यान ना दिया गया तो वो एक बड़ा फोड़ा भी बन जाता है। क्या है, क्या ये स्किन की कोई प्रॉब्लम है या ये अपने आप किसी को भी हो जाता है? इसके पीछे किन किन कारणों को आप वजह मानते हैं? सबसे बड़ा कारण है इसका खून का इन्फेक्शन। खून का इन्फेक्शन। और ये बच्चे बूढ़े जवान किसी को भी हो सकता बिल्कुल है। जैसे फोड़े फुंसी आपको निकले हुए छोटे हैं तो उसी टाइम जामुन की गुठली पत्थर में पानी डाल के ऐसे घिसें जैसे चंदन घिसते हैं, उसका लेप कर दें। लेप सूखने के बाद उसी के ऊपर दोबारा लेप कर दें। ऐसे 4-5 बार दिन में लेप करते हैं तो 2-3 दिन में वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जामुन चाहे खाएं चाहे बाहर फोड़ा फुंसी पे लगाएं, ये खून को शुद्ध करने के लिए एक किस्म का अमृत है। और फोड़ा फुंसी बड़े हैं उस पर जामुन का इतना नहीं लगाया जाता, तो संतरे का ताज़ा छिलका लेके उसको मेहंदी जैसा बारीक पीस लें, फिर उसका लेप करें। अब उस लेप से भी आपको काफ़ी आराम होगा। यदि वो फोड़ा फुंसी बढ़ ही रहा, घट नहीं रहा उसके लेप से, फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप ऐसा कीजिए कि अमरूद पका हुआ कम से कम 200 या 250 ग्राम का होना चाहिए, उसमें बीज कम होते हैं। फिर ये बीज, ये अमरूद आपको 2 या 3 दिन में खाने हैं, जैसे एक सुबह खा लिया, एक दोपहर, एक शाम के टाइम। परंतु इसको खाने में आपको पूरा 1 घंटा लगेगा अच्छी तरह चुपाएगा, तो खून के अंदर जितना पॉइजन है उसको अमरूद ख़त्म कर देता है। ये तीनों उपाय इकट्ठे भी कर लेते कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो पहले जामुन का कर लिया, उससे सफलता नहीं मिली तो संतरे के छिलके कर लिया, पूरी सफलता मिली तो फिर अमरूद का जरूरी है। और ऐसे भी जो अमरूद पका हुआ खाते रहते उसको खून में इन्फेक्शन नहीं होता। खून साफ करने के लिए और खून की गर्मी को नॉर्मल रखने के लिए अमरूद से बढ़ के संसार में दूसरी वस्तु कोई नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि गुरु जी आपने खून के इन्फेक्शन का एक सबसे बड़ा कारण बताया, और भी कारण होंगे लेकिन खून के इन्फेक्शन की यदि बात करें तो अपने आप, एक दैनिक दिनचर्या हमारी जो चल रही है उसमें अपने आप से खून में इन्फेक्शन कैसे बन जाता है? सबसे बड़ा कारण है चीनी। जी चीनी खाने वाले का खून में इन्फेक्शन लाजमी होता है। दूसरा है आपका गलत टाइम का खाना पीना। जब आपका खाना पूरा पचता है तो खून के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले या रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले, सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी बड़े आदमी के लिए, बच्चे के लिए कम है, और लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीता है। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राई खाना खाए ताज़ा खाना, यानी कि बासी खाने को खा रहे हैं, और 2 घूंट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राई खाना खाया 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाएं। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर दिन का टाइम है सुबह का, तो 20 मिनट तक थोड़े से टहल लें, फिर 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें, 5 मिनट के लिए बाएं साइड कर उठ लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड कर उठ लें, फिर सब आसन लेट के बाएं साइड को कर ले के उठेंगे, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। इन्फेक्शन होना ही नहीं।